सर सुबह गोली कांड हुई थी, क्या फिर उसमें अब तक अपडेट है, किसकी किसकी भूमिका है? एक हत्याकांड हुआ है, ये रेडिशन होटल के सामने में एक बार एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार है, वहाँ पर जो है विगत रात्रि में घटना घटी थी, जिसमें एक बार में काम करने वाला एक डीजे, उस डीजे की हत्या हुई। उस हत्याकांड को लेकर जो है रांची पुलिस ने अनुसंधान आरंभ किया, और अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में कौन कौन शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आदमी ने गोली चलाई डीजे पे, वह आदमी जो है वह पटना का रहने वाला है, रांची में भाड़े पे रहता है, और उसका एक बिजनेस है, वह को और ITC के सिगरेट्स की बिक्री करता है। उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद बहुत सारी टीम बनाई, इसमें से जो है उस बाउंसर के साथ मार्केट में जो शामिल लोग थे, उसमें से एक रामगढ़ से पकड़ा गया जो यूनियन बैंक का मैनेजर है। इसके अतिरिक्त और भी लोग थे, पर सबसे मुख्य अभियुक्त जो था वो अभिषेक सिंह था, जिसके बारे में पुलिस ने अनुसंधान करके पहले उसके नाम को चिन्हित किया, और तुरंत ही अविलंब टीम बनाकर हम लोग जो है हजारीबाग पुलिस और गया पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किए हैं। गया के अलीपुर थाना क्षेत्र में से इस गिरफ्तारी में, इस उद्भेदन में जो है हजारीबाग पुलिस और गया पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया। अब हम लोग जो है केवल एक हथियार जब्त कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं, विश्वास है सिंह को भी हम लोग जब्त कर पाएंगे। सर कितने बजे ये घटना घटी थी और गोली कितने बजे चली? घटना जो है 10:30 से 11 के बीच घटना जो घटी है, वो घटना है जिसमें बाउंसरों और इन लोगों के बीच में लड़कों की मारपीट हुई, और उसके बाद घटना जो है एकदम रात 1:20 के आसपास। सर किस मामले को लेकर विवाद हुआ था? विवाद का स्पष्ट कारण दोनों, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है और जो लोग पकड़े गए हैं उसका इंटरप्रिटेशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन आप विवाद क्या था? विवाद क्या था? जो बार वाले उनका कहना है कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और डांस तौर पर कुछ जो है असली हरकत, लेकिन जो है इन लोग का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, इन लोग यह बाउंसर ने जबरदस्ती हमें मारा पीटा है, और जो जो लड़के हैं उनके पर इंजुरी भी है, जिनके बाउंसर से मारपीट हुई इंजुरी भी है, तो ये बात की छानबीन कभी दूर है कि बाउंसरों ने किस परिस्थिति में उन लोगों को मारपीट किया। कितने लोगों को लिया गया सर हिरासत में, कितने लोगों ने? अभी जो है 3 आदमी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और इसके अलावा चौथा जो है गया में। सर किस हथियार का उपयोग हुआ था गोली चलाने में? हथियार के बारे में जो है जिनको हम लोग गया में अरेस्ट किए हैं, वो जब आ जाएंगे तब वो उसका क्या मेक था, किस कंपनी का था, सारा बात बताएंगे। जो देखने से जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है वो एक राइफल की तरह दिख रहा है, जिसमें एक जो है बाइनोक्यूलर लगा हुआ है। अभी हम लोग हथियार किस क्वालिटी का था क्या था नहीं पता हमें, लेकिन उनके घर पर जब हम लोग सर्च किए हैं तो जो है असम का बना हुआ 2 लाइसेंस हम लोग को मिला, जो असम के लिए वैलिड दिख रहा कागज। तो ये हम लोग को पुलिस पदाधिकारी को ये परेशानी हर बार झेलनी पड़ती है, कई बार हम लोग जो है नागालैंड या असम की तरफ बहुत सारे लाइसेंस देखते हैं जो लाइसेंस वस्तुतः फर्जी होते हैं, तो हम लोग जो है इस बात का छानबीन कर रहे हैं कि असली में हथियार का लाइसेंस कहाँ से आए और कैसे ये राज्य पहुँचा, उन सबके बारे में छानबीन कर रहे हैं, कैसे उन्होंने निष्कर्ष पर पहुँचे हम लोग प्रेस को बताएंगे। सर कोई सस्ती गाड़ी उस समय थी जो सीसीटीवी फुटेज में आया है, उसमें जो है आप इसमें देखें जिसमें घटना घटी है पूरा सड़क जो है वो सुनसान है, और फायरिंग की जब आवाज़ आती है तो जो पुलिस की गश्ती गाड़ी है यूजुअली जब आप फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में आपको समय लगता है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस वापस लौटती है तब ये भागने लगता है, पुलिस पीछा करती है लेकिन वो तेजी से निकल जाता है। एक्चुअली पुलिस की गश्ती गाड़ी से जो है पुलिस के जवान उतर के आते हैं उसे पकड़ने के लिए, जब भागता है तो वापस जिप्सी में आने में टाइम लगता है, और इस बीच का फायदा उठाकर वो भाग जाता है, और इस तेजी से वो भागा है कि बाद में उसने एक्सीडेंट भी किया, उसकी गाड़ी जो हम लोग बरामद हुई है वो एक्सीडेंट की गाड़ी, लेकिन सब काफ़ी तेजी से भागा। सर लगभग 10 बजे जब प्रशासन को सूचना दी गई थी तब एक की गिरफ्तारी हुई थी वहाँ पे, उसके बाद प्रशासन वहाँ पर अपना टीम क्यों नहीं हुई? नहीं ये बात नहीं, प्रशासन वहाँ पर प्रशासन को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर कल बगझक हुआ, वहाँ पर जब गए तो जो बगझक वाले लड़के थे वो बार वाले ने कहा कि वो आदमी चले गए,
बाहर से जब वो आदमी चले गए जो पुलिस की टीम गई उसको लगा कि साधारण सी नौकझोंक थी वो लौट आई, पर ये घटना जो है सामान्य नौकझोंक ही रहती, पर रात में वो आक्रोश व संभवतः वो आदमी जो आया है और उसने ये घटना कारित की है।